भारतीय जनता पार्टी की बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रविवार को गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 7 जिलों के जिला संयोजक एवं मतदान केंद्र प्रभारियों की बैठक में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी एवं इटवा के विधायक बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। पार्टी कार्यालय पर पहुंचने पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एवं निर्वाचन क्षेत्र के संयोजक सज्जन मणि त्रिपाठी ने पुष्पमाला वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 7 जिलों के जिला संयोजक एवं मतदान केंद्र प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें कुशीनगर, आजमगढ़, देवरिया, महानगर गोरखपुर, गोरखपुर जिला एवं महाराजगंज के मतदान केंद्र प्रभारी को निर्वाचन के संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया। इस मौके पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, निर्वाचन क्षेत्र के संयोजक सज्जन मणि त्रिपाठी ने, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन जय हिंद सहित 7 जिलों के जिला संयोजक एवं मतदान केंद्र प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की दृष्टि से आज बैठक थी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी उसके प्रभारी हैं और आज 7 जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लड़ने जा रही है और उसी की दृष्टि से संगठन के का पूरा ढांचा हमने खड़ा किया है। सभी जनपदों के प्रभारी तय हो चुके हैं और सभी मतदान केंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिए हैं। नीचे तक सदस्य वोटर बनाने का काम चल रहा है, चूँकि इसमें एक बड़ा क्षेत्र पहली बार सारे पुराने वोटर समाप्त करके नए सिरे से वोटर बनाए जा रहे हैं और इसलिए इसमें जो माध्यमिक से लेकर के इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय टेक्निकल जितने कॉलेज हैं, ITI है, पॉलीटेक्निक है, मेडिकल कॉलेज है, सब प्रकार के सभी क्षेत्रों में सदस्य बनने हैं और इसलिए सभी जगह पर विद्यालय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक प्रमुख बना रही है। आज सभी जो मतदान केंद्र हैं उनके प्रमुखों की ये महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ हुई है।